नमस्कार, मैं हूं रमेश नस्कोर। नस्कोर फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कैसे आप सिविल में ग्रीवेंस करोगे। इससे पहले मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूं, कैसे आप सिविल रेक्टिफाई करोगे, इसके लिए मेरा अलग अलग वीडियो है। कैसे आप सिविल में डिस्प्यूट रेस करोगे, मेरा ये जो वीडियो है, इस प्रोसेस के थ्रू आप डिस्प्यूट डालोगे तो उस केस में आपको 20% से लेके 30% केसेस में प्रॉब्लम सॉल्व होता है। हम लोग बहुत सारा कस्टमर के लिए हर महीने काम करते हैं, वहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स मिला है उस बेसिस पे मैं ये बता रहा हूँ। मगर मेरा लेटेस्ट वीडियो, ये जो वीडियो है, हाउ टू राइट कंप्लेन इन सिविल, ये प्रोसेस फॉलो करके आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ये प्रोसेस फॉलो करके आपको 30 डेज के अंदर में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, या तो आपको जो रिस्पॉन्स मिला है उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो उस केस में आप ग्रीवेंस कर सकते हो। कस्टमर सर्विसेज में आप कॉल करके कंप्लेन कर सकते हो, वहाँ पे जो रिस्पॉन्स मिलता है, मेरा एक्सपीरियंस की सबसे बता रहा हूँ, वहाँ पे ये बोलते हैं कि आप डिस्प्यूट रेस कर दो, 2 दिन के अंदर में हम लोग रिप्लाई कर देंगे। मगर डिस्प्यूट रेस करने के बाद आपको 2 दिन के अंदर में या तो डिस्प्यूट आईडी आएगा, नहीं तो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आएगा, मगर 2 दिन के अंदर में आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। वहाँ पे ये लिख के देते हैं कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो टाइम होता है वो 30 डेज होता है, और वो भी डिपेंड करता है जहाँ पे आपने लोन लिया है उसका रिस्पांस के और रिप्लाई के बेसिस पे। आप 30 डेज वेट करने के बाद फिर से आप कस्टमर सर्विस में फ़ोन करोगे तो वहाँ पे वही सेम चीज़ रिपीट करेगा, आप डिस्प्यूट रेज कर दो, 2 दिन के अंदर में हम लोग रिप्लाई कर देंगे। इस टाइप का प्रॉब्लम में आप फंसोगे और आपको ये लगेगा कि कोई उम्मीद ही नहीं है मेरा सिविल रेक्टिफिकेशन करने के लिए। मगर आप अफसोस मत कीजिए, क्योंकि और भी मेथड है जो फॉलो करके आप सिविल रिपोर्ट रेक्टिफाई कर सकते हो, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए अलग से ग्रीवेंस डेस्क है जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो, आपने जो डिस्प्यूट रेस किया है उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, या तो आपने जो रिटर्न कंप्लेन किया है उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो आप ग्रीवेंस भी कर सकते हो। क्योंकि ग्रीवेंस डेस्क में लेवल 1 में कस्टमर सर्विस मैनेजर रहता है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसको प्रॉब्लम अच्छे तरह से समझ में आता है, आपका जो प्रॉब्लम है शायद वो सॉल्व कर सकते हैं। लेवल 1 में भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो आप नेक्स्ट लेवल में एस्केलेशन कर सकते हो। कैसे आप ग्रीवेंस करोगे ये डिटेल में मैं बताएंगे, चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहले आप civil.com में जाइए, यहाँ पे सपोर्ट में क्लिक कीजिए। civil.com का जो कॉन्टेक्ट आस पेज है, सपोर्ट पेज में आने के बाद आप स्क्रोल करके नीचे आइए। नॉट सेटिस्फाइड विद रिस्पॉन्सेज रिसीव फ्रॉम अस, इसके नीचे विजिट आवर ग्रीवेंस डेस्क एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, ये एस्केलेशन डेस्क का जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। मैं जैसे बताया हूँ, एस्केलेशन डेस्क में एस्केलेशन लेवल 1, एस्केलेशन लेवल 2, एस्केलेशन लेवल 3 ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप ग्रीवेंस कर सकते हो। क्लिक हियर एक लिंक है, यहाँ पे क्लिक करके आप ग्रीवेंस कर सकते हो लेवल 1 में। उससे पहले यहाँ पे क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ योर ग्रीवेंस, योर एस्केलेशन विल बी फॉरवर्डेड टू मैनेजर कस्टमर सर्विसेज। प्लीज नोट दैट यू विल नीड अ वैलिड सर्विस रिक्वेस्ट नंबर टू एस्केलेट एन इशू। जैसे मैं बताया हूँ, नॉर्मली आप जो डिस्प्यूट क्रिएट करते हो वो जनरल जो एग्जीक्यूटिव है, कस्टमर सपोर्ट टीम मेंबर है, वहां पे जाते हैं, वो लोग आपका प्रॉब्लम देखते हैं और उसके बेसिस पे सॉल्यूशन करने के लिए कोशिश करते हैं। मगर यहाँ पे मैनेजर कस्टमर सर्विसेज के पास चले जाते हैं, जो लोग और भी एक्सपीरियंस्ड हैं, वो लोग के पास आपका जो प्रॉब्लम है वो जाएगा। इसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ये लोग ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। यहाँ पे लिखा है, वी विल रिस्पॉन्ड इन 15 बिजनेस डे फॉर लेवल 1 एस्केलेशन। लेवल 1 एस्केलेशन अब जो करोगे, ये सॉल्व होने में 15 बिजनेस डेज टाइम लगता है। मैं एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे स्किप करके चलाया हूँ। ग्रीवेंस करने के लिए आपको वैलिड सर्विस रिक्वेस्ट नंबर चाहिए। आपके पास वैलिड सर्विस रिक्वेस्ट नंबर नहीं रहेगा तो आप ग्रीवेंस नहीं कर सकते हो। इन केस यू डू नॉट हैव अ वैलिड सर्विस रिक्वेस्ट नंबर एंड यू विश टू रेज एन ऑनलाइन डिस्प्यूट, क्लिक हियर। इन केस यू डू नॉट हैव अ वैलिड सर्विस रिक्वेस्ट नंबर एंड यू नीड टू क्लैरिफिकेशन फॉर एनी अदर टाइप ऑफ क्वेरी, क्लिक हियर। आपके पास वैलिड सर्विस रिक्वेस्ट नंबर नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्लिक करके आप डिस्प्यूट रेस कर सकते हो। डिस्प्यूट रेस करने के लिए इससे पहले मेरा एक वीडियो बनाया हूँ, ये वीडियो आप चेक करके, ये वाला वीडियो आप पहले देख लीजिए, कैसे आप डिस्प्यूट रेस करोगे,
और कैसे आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा। मगर ये प्रोसेस से आप डिस्प्यूट रेस करने के बाद जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिल रहा है उस सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होने के बाद ही आप यहाँ पे ग्रीवेंस नहीं कर सकते हो। डिस्प्यूट रेस करने के बाद आपको 30 बिजनेस डेज वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे 30 बिजनेस डे टाइम लेते हैं डिस्प्यूट रिजोल्व करने के लिए। 30 डेज के बाद आपको डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं होता है या तो आपको वहाँ पे जो रिस्पॉन्स मिला है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तब जाके आप यहाँ पे ग्रीवेंस कर सकते हो। मान लेता हूँ आपके पास सर्विस रिक्वेस्ट नंबर पहले से ही है, पहले आप डिस्प्यूट रेस भी किया है और 30 डेज से ज्यादा टाइम के लिए आप वेट भी कर रहे हो, जहाँ पे आपको या तो रिस्पॉन्स नहीं मिला है और आपको रिस्पॉन्स मिला है जहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो उस केस में आप यहाँ पे ग्रीवेंस कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे ग्रीवेंस हम करेंगे एस्केलेशन लेवल 1 में। क्लिक हियर में आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे एक सिंपल फॉर्म रहता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, बहुत ही सिंपल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपका मांग रहा है। सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको भरना है, ऑलमोस्ट ऑल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंडेटरी है, सिर्फ ऑल्टरनेटिव कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो मैंडेटरी नहीं है। जैसे मैं बता रहे थे सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे डालना होगा, उसके बाद आपका जो कॉम्प्लेन है यहाँ पे आपको लिखना है। चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो, 1000 कैरेक्टर्स यहाँ पे लिख सकते हो, या तो आप पहले वर्ड में आपका कॉम्प्लेन वर्ड फाइल में कॉम्प्लेन लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। कॉम्प्लेन लिखने के बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है कैप्चा यहाँ पे फिल कीजिए, उसके बाद सबमिट कीजिए। आपका ग्रीवेंस सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो आपका एक ग्रीवेंस आईडी जनरेट होगा, वो ग्रीवेंस आईडी आप सेव कर लीजिए कंप्यूटर में और साथ में आप पेपर में भी लिख लीजिए, क्योंकि ये ग्रीवेंस आईडी बाद में आपको काम पे आएगा। फिर भी ये ग्रीवेंस आईडी आपका ईमेल में भी चला जाता है, जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे दे रहे हो। मगर यहाँ पे जो आप ग्रीवेंस कर रहे हो, एक ग्रीवेंस रिजोल्व होने के लिए 15 बिजनेस डे लगता है। 15 बिजनेस डेज के अंदर में आपका जो ग्रीवेंस है वो रिजोल्व नहीं होता है या तो जो रिस्पॉन्स आपको मिलता है वहां पे आप सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो उस केस में आप लेवल 2 में ग्रीवेंस कर सकते हो। चलिए देखते हैं ग्रीवेंस 2 में हम लोग कैसे एस्केलेट करेंगे। एस्केलेशन लेवल 2, जैसे मैं बता रहा हूँ, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम लेवल 1 यू कैन एस्केलेट योर ग्रीवेंस टू असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट कस्टमर सर्विसेज। यहाँ पे और भी हायर अथॉरिटी में आपका कॉम्प्लेन चला जाता है, वो है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। उसके लिए क्लिक हियर में क्लिक करना है एस्केलेट करने के लिए। उससे पहले यहाँ पे और भी कुछ चीजें लिखा हुआ है, वो पढ़ लेते हैं। प्लीज नोट दैट यू विल नीड अ वैलिड सर्विस रिक्वेस्ट नंबर एंड लेवल 1 ऑनलाइन ग्रीवेंस आईडी टू एस्केलेट एट द नेक्स्ट लेवल। जैसे मैं बता रहे थे लेवल 2 में ग्रीवेंस करने के लिए ग्रीवेंस आईडी जो लेवल 1 में मिला है वो आपको देना है, और साथ में पहले जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है वो भी यहाँ पे देना होगा। और ये जो एस्केलेशन 2 में ग्रीवेंस आप कर रहे हो उसके लिए 10 बिजनेस डेज टाइम लगता है प्रॉब्लम सॉल्व होने में। चलिए देखते हैं एस्केलेशन लेवल में कैसे हम लोग ग्रीवेंस कर सकते हैं। क्लिक हियर टू एस्केलेट। एक सिमिलर फॉर्म है जैसे आपको एस्केलेशन लेवल 1 में मिला है, एज इट इज एकदम सिमिलर फॉर्म है जैसा एस्केलेशन लेवल 1 में आपको मिला है। मगर यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज डिफरेंट है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर के साथ ऑनलाइन ग्रीवेंस आईडी लेवल 1 में जो मिला है वो यहाँ पे पुट करना है। आप ग्रीवेंस आईडी लेवल 1 में यहाँ पे सबमिट नहीं करोगे तो आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट नहीं होगा। ये ग्रीवेंस आईडी लेवल 1 का जो नंबर मिला है यहाँ पे पुट कर दीजिए, उसके बाद कैप्चा देने के बाद सबमिट कीजिए। सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे भी और एक ग्रीवेंस आईडी आपको मिल जाएगा जो लेवल 2 में है। मगर यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है और जो रिस्पॉन्स आपको मिलता है उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो आप एस्केलेशन लेवल 3 में कंप्लेंट डाल सकते हो। एस्केलेशन लेवल 3 में कंप्लेंट डालने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपका कंप्लेंट आप डालोगे वो जाता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पास। ये लास्ट लेवल है। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, और इस लेवल में मैक्सिमम 8 बिजनेस डेज टाइम लगता है। सिविल का जो एस्केलेशन डेस्क है उस पेज में नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा, सिविल में आप कोई कंप्लेंट रेज करोगे और उसका रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा इस हिसाब से कि आपने जो कंप्लेंट किया है उस कंप्लेंट का रिस्पॉन्स बैंक ने दिया है और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। उस केस में सिविल रिकमेंड कर रहा है कि आप बैंक के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, उसके बाद सिविल में जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। हम लोग बहुत सारे कस्टमर के लिए सिविल रिपोर्ट करेक्शन करते हैं, रेक्टिफिकेशन करते हैं हर महीने में, तो हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ।
ज़्यादातर कस्टमर को ये लगता है कि सिविल में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सिविल ने किया है, सिविल का सारा गलती है, उसके वजह से सिविल रिपोर्ट खराब हुआ है। मगर हमेशा ये नहीं होता है। ज़्यादातर केस में बैंक का कुछ प्रॉब्लम आपके साथ रहते हैं, उस वजह से सिविल रिपोर्ट खराब होता है, क्योंकि बैंक सारा डेटा सिविल को भेजते हैं और वही डेटा सिविल रिकॉर्ड में रखते हैं। ऐसा नहीं कि सिविल का कभी गलती नहीं होता है, सिविल में भी डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल एरर होता है जो सिविल की तरफ से होता है। वो सारा प्रॉब्लम आप कंप्लेन करोगे तो जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मगर ऐसा प्रॉब्लम भी होता है, आपका बैंक में जो लोन था वहाँ पर आपने सेटलमेंट करके क्लोज कर दिया है, आपको वहाँ पर जो सेटलमेंट हुआ है उसका रिपोर्ट बैंक सिविल में भेज देता है, वहाँ पर रिपोर्ट में भी सेटलमेंट दिखाता है और ये एक नेगेटिव स्टेटस है। इस स्टेटस में आपको दूसरे जगह में या तो दूसरा बैंक में लोन नहीं मिलेगा, तो उस केस में सिविल भी आपका रिकॉर्ड सही नहीं कर सकते हैं। बैंक मैनेजर के पास आप जाओगे तो बैंक मैनेजर आपको ये बताएगा कि अरे हमने तो आपका लोन क्लोज कर दिया है, साथ में आपको NOC भी दे दिया हूँ, तो ये सारा गलती सिविल का है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप सिविल में कंप्लेन कीजिए, आपका रिकॉर्ड सही हो जाएगा। मगर ऐसा कभी नहीं होगा। कभी कभी ये भी होता है आपने लोन क्लोज भी कर दिया हो मगर बैंक की तरफ से वो डेटा सिविल के पास नहीं भेजा है, उस कारण से भी सिविल रिकॉर्ड सही नहीं होता है। तो बैंक को आप कंप्लेन कीजिए, सिविल में ग्रीवेंस करके आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ग्रीवेंस करना है तो आप बैंक में ग्रीवेंस कीजिए, जैसे ही आपका बैंक में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उसके बाद सिविल में भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमने ऐसे भी देखा हूँ बैंक में प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद 2 दिन के अंदर में सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन हो गया है। हमेशा ऐसा जल्दी नहीं होता है, मगर जिस महीने आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे बैंक पे उसके नेक्स्ट महीने 15 तारीख के बाद रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन हो जाता है। बैंक की तरफ से नॉर्मल ये बोलता है कि 45 डेज टाइम लगता है, तो आप बैंक में जो प्रॉब्लम है या तो जिस लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है वहाँ पर आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम 45 डेज के अंदर में आपका सिविल में भी प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। उसके बाद भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा तो आप सिविल में फिर से कंप्लेन कीजिए और साथ में बैंक को भी कंप्लेन रेज कर दीजिए, तब जाके आपका जो प्रॉब्लम है वो जरूर सॉल्व होगा। मेरा ये वीडियो आपका दोस्त के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आपका अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा ही सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक में रेगुलरली वीडियो बनाता हूँ, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।